फ़ोन पे एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना ही होगा, आपको पता ही होगा फ़ोन पे एप्लीकेशन क्या चीज़ है। फ़ोन पे एप्लीकेशन है जो इससे आप अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, और भी बहुत सारे काम आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। बिल्कुल पेटीएम के जैसा ही ये एप्लीकेशन है, बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी फ़ोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन। अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद इसका जो मतलब पहली बार जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे ऊपर तो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। अपने आप वेरीफाई कर ले कि जी एप्लीकेशन कोड आएगा ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन मतलब कोड जो आएगा अपने आप वेरीफिकेशन कोड एक्सेप्ट कर लेगा, आपका मोबाइल अपने आप अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है फुल नेम, आपने अपना नेम डाल देना है दूसरे नंबर पे जो भी आपका नेम है। जहाँ पे मैं तो अपना असली नेम नहीं डाल रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये अकाउंट बना रहा हूँ, सचमुच के लिए अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। और जो तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ पे डालना है अपने जहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, नया पासवर्ड बना लेना है फ़ोन पे एप्लीकेशन के लिए। सिर्फ चार अक्षरों का ही कोड इसमें आप बना सकते हैं, जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और उसके बाद अपने इतना करने के बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा, उस पर देखा जहाँ वहाँ पे लिखा हुआ होगा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद कर लीजिए डन। बस उसके बाद आपका अकाउंट फ़ोन पे अकाउंट तैयार है, अकाउंट बन चुका है। इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कीजिए।